साथ बदलते भारत की शान। दुनिया अगर आविष्कारों का आईना है तो वहीं इसमें भारत ने अपनी एक विशेष भूमिका निभाई है। भारत की जमीन को न सिर्फ आविष्कारों ने बल्कि ग्रामीण नवाचारों ने भी वह मजबूती दी जिसकी बदौलत दुनिया के मंच पर यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि भारत के पास बिना विज्ञान की पढ़ाई पढ़े भी वैज्ञानिक सोच का अभाव नहीं है। नवाचार महज विकास गाथा का हिस्सा ही नहीं है बल्कि यह आम जनजीवन की दिशाएं तय करता है। और यह भी सच है कि नवाचार का संबंध धन, विद्या, बल से ही नहीं होता बल्कि यह तो इंसान के अंदर छिपी प्रतिभा का नतीजा है जिसके सामने आने पर एक नई उपलब्धि प्रकट होती है। ऐसी ही एक उपलब्धि है हमारी विकास की गाथा के लिए गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति। हम कुम्हार हैं, कुम्हार का काम है मिट्टी का बर्तन बनाने का। मेरा पिताजी एक गांव में रहता था, वो गांव का नाम है मोरबी के पास नीची मांडल, और नीची मांडल में मेरा पापा मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते थे। जैसे कि मैं छोटा था तब मेरा पापा मम्मी के साथ गधे के ऊपर में मिट्टी लेने के लिए जाता था। बाद में मिट्टी को लाके मेरा मम्मी पापा उसको टिप टिप के पाउडर बना के पैर से खून के ये मिट्टी का बर्तन बनाते थे। और जो कुम्हार काम करने वाले को कोई लड़की देने के लिए रेडी नहीं थी, इसीलिए मेरा पापा ने ये कुम्हार का काम छोड़ के, गाँव छोड़ के वो मोरबी में मिस्त्री का काम करने के लिए चला गया। और मैं मेरी दादी माँ के साथ कुम्हार का बनाया हुआ बर्तन बेचता था। गधे के ऊपर आसपास के गांव में बर्तन बेचने के लिए पढ़ाई के साथ साथ जाता था, और पढ़ाई में इतना ध्यान न दे सका, इसलिए मैं 10th फेल हुआ। राजकोट के मोरबी गाँव में जन्मे मनसुख भाई वाकानेर गांव में रहते हैं और इनका नवाचार जुड़ा है मिट्टी से जिसका नाम है मिट्टी कूल। मिट्टी कूल एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर है जो मिट्टी से बना है। इसमें सब्जियों, फलों और ठंडे पानी को स्टोर करके ठंडा रखा जा सकता है। ना तो इसे बिजली चाहिए और ना ही अन्य कोई प्रकार की ऊर्जा। इनके बिना ही ये अंदर रखे सामान को प्राकृतिक शीतलता प्रदान करता है। फलों, सब्जियों और दूध के मूल स्वाद को बनाए रखते हुए उनकी गुणवत्ता को 2 से 3 दिनों तक खराब किए बिना ताजा रखा जा सकता है। मिट्टी कूल वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के सिद्धांत पर काम करता है। ऊपरी कक्षों से पानी नीचे की ओर साइड से गिरता है, वहां जब ये वाष्पित होता है तो अंदर की गर्मी को भी ले जाता है जिससे कक्ष ठंडा हो जाता है। पानी को स्टोर करने के लिए ऊपरी कक्ष का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मिट्टी से बना एक छोटा ढक्कन प्रदान किया जाता है। पीने के उपयोग के लिए
पानी को निकालने के लिए कक्ष के सामने निचले छोर पर एक छोटा नल भी दिया गया है। निचले कक्ष में सब्जियों, फलों और दूध आदि को संग्रहित करने के लिए दो कक्ष अलग से प्रदान किए जाते हैं। मनसुख भाई प्रजापति ने जो प्रोडक्ट बनाए हुए है उसमें से मैं सब यूज करती हूँ और 10-15 साल से यूज करती हूँ। उसने जब पहली फ्रिज बनाई तब संशोधन के लिए मेरे घर पर ही दी गई थी। जो उसका सन है राज, वो मेरे हस्बैंड का स्टूडेंट है और मैंने काफ़ी 21 दिन तक उसके पर संशोधन किया और उससे सब लिख के दिया। मध्यम वर्ग और जो साधारण लोग हैं उसके लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि उसमें बिजली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक मर्यादा है कि आप 24 घंटे तक दूध भी उसमें अच्छी तरह से रख सकते हो। बाकी फल सब्जियाँ में कुदरती जो मिठास है वो बनी रहती है और धनिया, पालक, मिर्च, नींबू ये सब सब्जियाँ बहुत फ्रेश रहती है। और एप्पल अगर हम मार्केट से लाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक वाली फ्रिज में हम नहीं रख सकते, पर इसमें रखने से वो एकदम फ्रेश रहते हैं। अगर आम के सीजन में आप कच्चे आम रख दो तो वो कुदरती रीत से पक जाते हैं। मानव विकास के इतिहास में इंसान की एक विशेषता उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है और वह है नए विचारों की क्षमता। इन विचारों से पाए अनुभव से सीखने का सामर्थ्य ही मानव जाति के एकत्रित ज्ञान की नींव है। मिट्टी से जुड़ा नवाचार एक संकेत है इस नींव की मजबूती का। यह मिट्टी ही तो है जो हमें हमसे जोड़े रखती है। मिट्टी की खुशबू ही तो है जो हमें हमारे हम की तरफ मोड़ती है। मिट्टी अनमोल है और इसका प्रमाण छिपा है मनसुख भाई के नवाचार मिट्टी कूल में। ऐसा हुआ कि एक दिमाग से मैंने छोटा सा मशीन बनाया तवा बनाने का और जब कम से कम 1.5 लाख तवा टूट गया तब तक मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन जो मेरे मन में था वो मैंने करके ही दिखाया। मेरा पापा एक दिन का पूरा परिवार लेके 100 तवा बनाते थे, तब मैंने एक साल के बाद कम से कम 3,000 से 4,000 तवा बनाने का स्टार्ट कर दिया। तो पहली मेरी सफलता मुझे मिली तवा बनाने की मशीन में और आज ये तवा का मशीन पूरा इंडिया में मेरी कॉपी कर करके बना रहे। तो मुझे इससे ये खुशी है कि कम से कम मैंने ये 1-1.5 साल के बाद ये तवा बनाने की मशीन में सफलता मिली। तो आज मेरा समाज, मेरा परिवार इतना खुश है कि सबके घर में यही मशीन चलता है। मनसुख भाई परंपरागत कुम्हारी के काम से जुड़े थे, हालांकि उन्हें इसमें कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन बहुत सारे संघर्ष, जीवन के धूप छांव के खेल ने उन्हें आज एक व्यवसायी और वह भी सफल व्यवसायी की श्रेणी में ला खड़ा किया। 95 में मैं एक दूसरा इनोवेशन स्टार्ट किया, क्योंकि मैं गांव में रहता था तब तालाब और कुएं से पानी पीता था। तो कुएं में देखो तो बहुत पक्षी मर जाते हैं, पक्षी का बच्चा मर जाते हैं या कचरा पड़ा होता है कुएं में, और तालाब या नदी में बहुत सारे लोग कपड़ा भी धोते हैं, स्नान करते हैं और अंदर पशु भी स्नान करते हैं, तो बहुत गंदा पानी होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि जो हम मटका बनाते हैं कुम्हार लोग, तो जो मटका में पानी बाहर निकलते हैं, मतलब जवते हैं पानी निकलते हैं, वही मटका में पानी ठंडा होता है, लेकिन जो बाहर निकलते हैं छोटे छोटे छेद के माध्यम से, पोरोसिटी के माध्यम से, वो पानी एकदम क्लीन होते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्यों एक छोटा सा वाटर फिल्टर न बनाओ। तो मैंने एक वाटर फिल्टर बनाया और मिट्टी का बनाया, तो मिट्टी की वजह से पानी ठंडा भी मिलते थे और साफ भी मिलते थे। तो उसमें मुझे मेरा दूसरा इनोवेशन में भी मुझे सफलता मिली। अतीत के सफर को याद कर आज भी वह रोमांचित होते हैं। अतीत में डुबकी लगाते, वर्तमान में तैरते और भविष्य को समेटने से लगते हैं, और ऐसे ही कुछ सहेजते समेटते उन्होंने मिट्टी से वह कर दिखाया जो चौंकाने वाला रहा। मेरे फादर ने ये बिजनेस करीबन 30 साल पहले मिट्टी के तवा बनाने से स्टार्ट किया था, जो कि आज 250 से ज़्यादा मिट्टी के प्रोडक्ट्स
हम मिट्टी कूल के प्लेटफॉर्म के अंदर बना रहे हैं, जिनमें 120 से ज़्यादा लेबर्स और उनमें भी 90 से ज़्यादा वुमन हमारे साथ जुड़ के ये काम कर रही है। और हम ये मिट्टी कूल के प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स एंड B2B पोर्टल के थ्रू वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अवेल करवा रहे हैं। एक तरीके से मिट्टी का जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसमें हमारा पहला ध्येय ये रहता है कि अच्छी जगह से माटी को लिया जाए, अच्छी तरह से उसका मिक्सचर फॉर्म, मतलब जो कि प्रोडक्ट्स उसमें से बने वो क्वालिटेटिव हो, प्रोडक्ट लुक्स में भी बेटर हो और लॉन्ग ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स इसमें से बनाए जाए, जो कि एक आज के मॉडर्न युग के हिसाब से कोई भी घर के अंदर जाए तो वो घर का और किचन का ब्यूटी एनहेंस करे और जो मॉडर्न एक लाइफस्टाइल है उसके साथ वो मैच हो पाए, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। इनके नवाचार की जुड़ी प्रेरणा भी काफी दिलचस्प है, जो जुड़ी है 2001 में गुजरात में आए भूकंप से, जो आधार बना मिट्टी से बने फ्रिज का और पहुंचा आम आदमी की रसोई तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। घर घर की जरूरत जैसे फिल्टर, फ्रिज, कुकर जैसी चीजें मनसुख भाई ने मिट्टी से बना दी। उस मिट्टी को मिला इनके हाथ का जादू ही था, जिससे ना तो आंच पर वह मिट्टी का कुकर फूटता है और बिना बिजली के भी मिट्टी का फ्रिज चीजें ठंडी करता है। जहां फिल्टर पानी तो छानता ही है, वहीं उसमें मिट्टी की सोंधी सुगंध भी छोड़ता है। हमने सोचा कि पहले के जमाने में बुढ़ापे की निशानी जब हमारा हेयर वाइट होती है तब पता चलता था कि अभी ये बुढ़ा हो गया, लेकिन आज के ज़माने में छोटी उम्र में आँख में नंबर और छोटी उम्र में हमारा बाल है, हेयर है, वाइट हो जाते हैं। वाइट क्यों हो जाते हैं हमारा हेयर? क्यों? कि हमें जो ओरिजिनल पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। तो हमने सोचा कि ये हमारी परंपरा जो कुम्हार लोग के पास से लेके जो मटका बनाते थे, तो ये ओरिजिनल खाना अभी हम भूल गए हैं, तो हमने मिट्टी का कुकर बनाने का सोच लिया और जो हांडी के बदले हमने मिट्टी का एक कुकर बनाया, जिसके अंदर सीटी भी बजती है और खाने का स्वाद हमें मिलता है। उसी तरह से हमने मिट्टी की बोतल भी बनाई, मिट्टी की हांडी बनाई, कढ़ाई है, दही पोट है, कड़पोट है, ऐसी सभी चीज़ बनाई। मैं 15 साल से मिट्टी के कुकर में रात को खिचड़ी पकाती हूँ। मनसुख भाई के घर में पकती हुई मुझे पता नहीं है, मेरे घर में पकती है 15 साल से। और मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो मिट्टी की बोतल लेके जाते हो। और कुकर लोग पूछते हैं प्रश्न कि आप कुकर लेते हो तो महंगा नहीं पड़ता, टूट नहीं जाता? मैं बोलती हूँ नहीं टूटता है। अगर हम मिट्टी का जो मटका यूज़ करते हैं, गमला यूज़ करते हैं, वो नहीं टूटता तो कुकर भी नहीं टूटती। मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक मैंने 6 साल तक मैं एक कुकर चलाया, फिर दूसरा लिया 6 साल तक, अभी मेरे पास 3रा कुकर है और उसके नॉन स्टिक पेन है वो भी मेरे पास है, ग्लास है, सभी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और सभी से कहती हूँ कि अगर आपने एक्सपीरियंस किया नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकती, आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप खुद उसे लेकर देखें कि उसकी क्या क्या जादू है उसमें। अगर गर्मी की सीजन है फिर भी उसमें इतना ही कूलिंग रहता है। उनके इस विषय के ज्ञान की गाथा ही कहेंगे कि इस नवाचार से जहां तक कम पैसों में बड़ी और महंगी चीजों का फायदा मिलता है, वहीं बिजली की भी जरूरत नहीं होती। इको फ्रेंडली तो है ही और मिट्टी के मोह से भी बांधे रखता है। मिट्टी कूल के अंदर आज जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, स्पेशली जब मैं बात करूँ मिट्टी का फ्रीज है, मिट्टी का वाटर फिल्टर, मिट्टी का कुकर, नॉनस्टिक तवा, कढ़ाई वगैरह कितने भी सारे प्रोडक्ट, तो उसमें हमारा पूरा ध्यान रहता है कि वो प्रोडक्ट एक्यूरेट बने, अच्छी तरीके से अच्छी जगह से हार्वेस्ट किए हुए मिट्टी का यूज़ हो
एक फिक्स टेक्निक के साथ वो प्रोडक्ट को बनाया जाए और अच्छे टेम्परेचर के हिसाब से उसको पका के लोगों के घर तक अच्छे पैकेजिंग के साथ उसको डिलीवर किया जाए, जिससे लोग ये प्रोडक्ट को अपने घर में लंबे समय तक इसको यूज़ करें और वो वापस यही प्रोडक्ट के ऊपर आगे नए प्रोडक्ट में शिफ्ट हो पाए। इनके नवाचार की जुड़ी प्रेरणा भी काफी दिलचस्प है, जो जुड़ी है 2001 में गुजरात में आए भूकंप से, जो आधार बना मिट्टी से बने फ्रिज का और पहुंचा आम आदमी की रसोई तक। 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया तब हम नॉर्मल मटका बनाते थे, तवा बनाते थे, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से सारे मटके टूट गए। न्यूज़पेपर में आया कि गरीबों का फ्रिज टूट गया, तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि गरीबों का एक स्वप्न होता है हमारे घर में फ्रिज है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो फ्रिज लेने की तो बात छोड़ो, उसके पास बिजली का बिल भरने का भी पैसा नहीं होता है। तब मैंने सोचा कि मैं एक मिट्टी का फ्रिज क्यों नहीं बनाऊँ, तो मैंने मिट्टी का फ्रिज बनाने का सोच लिया और स्टार्ट कर दिया। लेकिन कम से कम 5 साल हो गया ये संशोधन करने में, बैंक से 3.5 लाख रुपया लिया था और भी हमारे समाज के आसपास के लोगों के पास से भी मैंने पैसा लेके इसका संशोधन करने का स्टार्ट किया था और इसके अनुरूप किलन बनाने का सोचा था, लेकिन मेरी 2 से 3 किलन फैल गई और 5 साल तक इसमें कूलिंग नहीं होते थे फ्रिज में और सब्जियां फ्रूट 1 दिन में बिगड़ जाती थी, 2 दिन में बिगड़ जाती थी। तो मैंने इसका संशोधन ऐसे ही चालू रखा और एक दिन ऐसा आया कि जो फ्रिज के अंदर 5 से 7 दिन तक सब्जियां और फ्रूट फ्रेश रहते हैं, बिजली बिना चलते हैं, जिसका नाम मैंने रखा था मिट्टी कूल। आज मिट्टी कूल यही मिट्टी के प्रोडक्ट्स के साथ 250 से ज़्यादा जब प्रोडक्ट्स लेके मार्केट के अंदर अच्छे लेवल पे प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही है, लोगों तक अवेल करवा रही है, तब मिट्टी कूल आज कुम्हारों के लिए और दूसरे लोगों जो मिट्टी के बर्तन को ज़्यादा जानते हैं और जिन्हें मालूम है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे और आवश्यक प्रोडक्ट है, पर्यावरण को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रहे, तब जाके मिट्टी कूल यानी कि आज के आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट के साथ, आत्मनिर्भर वाला जब कोई बात करता है तो उसके लिए मिट्टी कूल एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बन के आ रहा है। इस उपलब्धि की प्राप्ति में जहां एक तरफ सृष्टि का योगदान रहा, वहीं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का सहयोग भी कम नहीं रहा। मिट्टी कूल फ्रिज में मुझे सफलता तो मिल गई, लेकिन मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं था। वही टाइम पर अहमदाबाद में एक हनीबी और ज्ञान करके संस्था थी, प्रोफेसर अनिल गुप्ता YIM के प्रोफेसर थे और वो संस्था चलाते थे। यहाँ आके बोला कि आपने कोई मिट्टी का रेफ्रिजरेटर बनाया है, तो मैंने बोला हाँ सर। पहले तो मुझे डर लगा क्योंकि सब लोग आते थे वो सब पैसा लेने के लिए आते थे और मेरे पास सब लोग पैसा मांगते थे, और ये फ्रिज बनाने के लिए मैंने मेरा जो खुद का मकान था वो भी मैंने बेच दिया था। हमारे पास रहने का मकान भी नहीं था, सिर्फ छोटा सा एक वर्कशॉप था जहाँ मैं फ्रिज बनाता था। तो पहले तो मुझे ऐसा डर लगा कि हमारे पास अभी बैंक से पैसा लेने के लिए कोई लोग आए, लेकिन उसने मेरे फ्रिज के बारे में पूछा और मैंने उसको सभी बताया, उसने अच्छा लगा, वो फ्रिज लेके वो चला गया अहमदाबाद। बाद में 2-3 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि मनसुख भाई आपको बुला रहे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो मैं गया वहाँ पर, मेरे पास वहाँ जाने के लिए किराया का भी पैसा नहीं था, तो वहाँ जाके मुझे बोला आपने तो कमाल कर दिया भाई, अच्छा फ्रिज बनाया जिसका नाम आपने मिट्टी कूल रखा है। मैं बोला हाँ सर। तो ये बाज़ार में क्यों नहीं रखते? मैं बोला सर अभी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, खाने का भी नहीं। तो ये बोला अगर मैं आपको 100 फ्रिज का ऑर्डर दूँ तो बना सकते हैं? मैं बोला हाँ सर बना दूंगा। तो उसने वो टाइम पर मुझे बोला कि आपका 100 फ्रिज का कितना पैसा होगा? तो मैंने बोला सर 1800 रुपया में मेरे घर में अभी पड़ता है, तो 1,80,000 रुपया होगा। तो वही टाइम पर एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन उसकी संस्था थी, तो संस्था के माध्यम से उसने 1,80,000 रुपया दिया और वहाँ से फिर से मेरा जीवन यात्रा शुरू हुई। जब मेरे पापा
मिट्टी के बर्तन यानी कि स्पेशली जब मैं बात करूँ मिट्टी के फ्रीज के पीछे एक्सपेरिमेंट तौर पे जा रहे थे, तब तो मैं बहुत छोटा था जो कि स्कूल्स के टाइम पे, लेकिन मुझे याद है आज भी कि एक टाइम ऐसा आया था कि भाई बहुत ही मेहनत के बाद उनके ऊपर बहुत कर्ज़ा हो गया था, हमारे ऊपर बहुत कर्ज़ा हो गया था, और हमें उन दिनों में अपना मकान जो था वो भी गिरवी रखना पड़ा था अपने फैक्ट्री के इंस्टॉलमेंट भरने के टाइम पे। वो टाइम पे मेरे लिए वो सब समझना बहुत कठिन था क्योंकि वो आयु में शायद वो चीज़ मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकता था, लेकिन आज जब वो सिचुएशन मुझे याद भी आती है तो आज मेरे लिए वो अंडरस्टैंड करना, वो फीलिंग जो है मैं उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता हूँ, वो काफ़ी कठिन रहा है। वास्तव में यह तो नए विचार की गाथा ही थी जिसने हमें पहिए का सफर दिया, और वह अपने अनुभव से सीखने का सामर्थ्य ही था जो हमें अग्नि का उपहार भेंट कर गया। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वैसे ऐसी कोई भी उपलब्धि संभव नहीं होती बिना परिवार के, अपने अपनों के सहयोग के, जहां हताशा के आंसू पोंछने के नरम हाथ होते हैं और सफलता के उत्साह में पीठ थपथपाने की कशिश। आज जब हम ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल कर रहे हैं और वो उसके पीछे जब हमें ध्यान में आता है कि भाई ये प्रोडक्ट को कुछ टाइम पहले लोग एक अच्छी तरह नज़रिए से देखते भी नहीं थे, मतलब मिट्टी का बर्तन मतलब लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि भाई ये एक बेकार प्रोडक्ट है, लेकिन जब आज ये प्रोडक्ट मार्केट में मेरे फादर ने इस हिसाब से लॉन्च किया है और उसकी वजह से लोग जो मिट्टी के बर्तन को बनाने में बेचने में आगे आए हैं और ये प्रोडक्ट को एक नए लेवल पे मुकाम मिल रहा है, तब जाके हमें बहुत प्राउड फील होता है कि भाई ये जो काम हुआ है, और ख़ास करके जब मेरे फादर का नाम आता है तब हमारे लिए वो बहुत अच्छी ब्लेसिंग सी हो सकती है। आजे मनसुख भाई नी जे प्रोडक्ट है ये हूँ छेल्ला 15 वर्ष थी हूँ यूज करूँ छूँ, माटीनू फ्रीज छे, कूकर छे, पानी नी बोटल छे, आजनी तारीखे उपयोग करूँ छूँ, अने ए वस्तु वापरवाथी खूब आनंद थयो छे। आजे ज्यारे आत्मनिर्भर भारत बनी रह्यु छे त्यारे सौथी वधु અમે મનસુખભાઈને યાદ કરીએ છીએ, એટલું જ નહીં પર્યાવરણને લઈ આજે કોઈ પણ વૃક્ષારોપણ હોય, કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને લગતા કોઈ પણ કાર્યક્રમો હોય, એમાં હંમેશા મનસુખભાઈની હાજરી છે એ અચૂક હોય છે। વાસ્તવ મેં યે તો નય વિચાર કી ગાથા હી થી જિસને હમે પહિયે કા સફર દિયા और वह अपने अनुभव से सीखने का सामर्थ्य ही था जो हमें अग्नि का उपहार भेंट कर गया। हमारा मेन लक्ष्य है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने का, हेल्थ और पर्यावरण में ध्यान देने का, और न हेल्थ को नुकसान हो न पर्यावरण को नुकसान हो, जो खाने की चीज़ है किस तरह से किस बर्तन में बनाई जानी चाहिए उसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, मतलब वोकल टू लोकल चीज़ बनाने के लिए हमारा जो सरकार का स्वप्न है उस स्वप्न पूरा करने के लिए हम 30 साल से काम कर रहे हैं। आज हमारा इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार सभी सपोर्ट कर रही है, और स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी राष्ट्रपति भवन में बुलाया था और मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल साहब ने भी मुझे इनोवेटर का अवॉर्ड दे के मुझे सम्मानित किया था। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी साहब ने तो एग्जीबिशन 8 दिन का रखा था और 15 दिन का उसके घर के मेहमान के रूप में मुझे रखा था और सम्मानित भी किया था। कहते हैं
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और कुछ ऐसी ही गुनगुनाहट हर समय गूंजती है एक नवाचारी के कानों में। लेकिन अगर ये गुनगुनाहट के स्वर सुर और ताल में आ जाएं, तो बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला देते हैं, एक प्रेरणा बनकर खड़े होने का साहस देते हैं, और सबसे अंदर तक छूने वाली साहस देती है अपने अस्तित्व की पहचान, अपने वजूद की दस्तक और अपनी उपयोगिता का रोमांच। एक नवाचारी भगवान सिंह विश्वकर्मा से मिलते हैं, जिन्होंने आम जिंदगी में आने वाली आम मुश्किलों को कुछ खास तरीके से सुलझा दिया। पहले अपने नवाचार मॉडिफाइड साइलेंसर से और आज एक और इनोवेशन स्विंग आर्म के जरिए।